अज पंजाब के किसान बहुत वड्डे संकट च है। पहले जो झोना बीजा सी तो फसल कटने वाली सी, मीह पिया बहुत वड्डा नुकसान हो, गड़े पे बहुत वड्डा नुकसान होया, लोड सी मुआवजा देने की, पर पंजाब सरकार ने उस तरफ देखा ही नहीं, झाके ही नहीं। तुसी हैरान रह जाओगे, पहली तरीक नूं मंडियां की खरीद शुरू हुई तो 8-9 तरीक नूं बंद कर दिती गई है। अज तकरीबन 19 तरीक है, 11-12 दिन मंडियां बंद पईआं, झोना रुल रहा, मीह पै गए हन, झोना खराब हो गया, कौन भरूगा नुकसान? पंजाब सरकार ने तो कहता असी नहीं भरना। मुख्यमंत्री गायब है, सरकार गायब है, किसी नूं पता नहीं किहदे कोले जाण। ऐ जी नकम्मी सरकार मैनूं लगदा अज तक पंजाब दे इतिहास च नहीं आई। सत श्री अकाल, D5 चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करदा। मंडियां दे विच झोने की फसल पहुँच रही है, खेतों के झोने की फसल अजे तैयार खड़ी है, पर मौसम ने अपना मिजाज बदलिया तो कई तरह दीयां समस्यावां दा सामना करना पिया किसानां नूं। ते दूजे पासे आड़ती हड़ताल दे उत्ते चले गए, मजदूर हड़ताल दे उत्ते चले गए ते किसान फिर परेशान होए, ते शैलर मालकां ने भी हड़ताल कर दित्ती है। शैलर मालक अपनियां मंगां नूं लै के अड़े हुए ने ते खरीद दा काम प्रभावित हो रहा है। हुण इस पूरे मामले नूं लै के पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी दे प्रधान राजा वड़िंग ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल होरां नूं एक चिट्ठी लिखी है, तो उन्होंने कहा है कि जल्द तो जल्द शैलर मालकां दीयां समस्यावां दा हल कीता जावे, जिहड़ियां उन्हां दे उत्ते कई तरह दीयां पाबंदियां लगाईआं गईआं ने, नवें नियम लिआंदे गए ने, उन्हां दे विच छूट दित्ती जावे तां जो पंजाब दे विच किसी भी तरीके नाल झोने की खरीद दे विच विघन ना पवे। तो इसे दे चलदिआं श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने भी एक वीडियो सांझी कीती है, जिस दे विच ओह कह रहे ने कि मंडियां दे विच कामकाज प्रभावित हो रहा है, शैलर मालकां दी नहीं सुनी जा रही, किसानां दी कोई नहीं सुन रहा, मुआवजे दी गल किते नहीं हो रही, तो खरीद दा काम ठीक तरीके दे नाल नहीं चल रहा। उन्होंने कहा है कि जिहड़े वर्कर ने, जिला प्रधान ने, मंडियां दे विच जाके जायजा लैण, मंडियां दे विच प्रबंधां नूं देखण कि किस तरह दे नाल खरीद की जा रही है, जिथे कोई कमी आउंदी है उत्थे धरना प्रदर्शन की लोड़ पैंदी है तां ओह वी कीता जावे। अज पंजाब दे किसान बहुत वड्डे संकट च है। पहले जदों झोना बीजिया सी ते फसल कटने वाली सी, मीह पिया बहुत वड्डा नुकसान होए, गड़े पे बहुत वड्डा नुकसान होया, लोड सी मुआवजा देने की, पर पंजाब सरकार ने उस तरफ देखा ही नहीं, झाके ही नहीं। लोगों नूं बुरे हाल का सामना करना पिया। उदे बाद उन्हां नूं उम्मीद सी कि मंडियां च आपां फसल लेके जावांगे जिहड़ी बची सी कि साडी बिक जूगी। तुसी हैरान रह जाओगे, पहली तरीक नूं मंडियां की खरीद शुरू हुई तो 8-9 तरीक नूं बंद कर दित्ती गई है। अज तकरीबन 19 तरीक है, 11-12 दिन मंडियां बंद पईआं, झोना रुल रहा, मीह पै गए हन, झोना खराब हो गया, कौन भरूगा नुकसान? पंजाब सरकार ने तो कहता असी नहीं भरना। आड़ती रो रहे है, किसान रो रहे है, तकरीबन 5,000 शैलर बंद हो गया है क्योंकि उन्हां नूं डर है। मुख्यमंत्री गायब है, सरकार गायब है, किसी नूं पता नहीं किहदे कोले जाण। ऐ जी नकम्मी सरकार मैं लगता अज तक पंजाब दे इतिहास च नहीं आई। फड़ आए कोई मुआवजा नहीं, मुख्यमंत्री दिखाई नहीं दिंदा। कि जो अखबारों देखते हैं मुख्यमंत्री कित्थे है, केजरीवाल नूं लैके कितने दूजे सूबे च फिर रहा है। सही मायने ते इहनूं मुख्यमंत्री कहण दे लायक नहीं, इहनूं नकली मुख्यमंत्री कहा जाए। तो मैं मुख्यमंत्री नूं कहना चाहुंदा है, जे तुसीं अपनी जिम्मेवारी ना संभाली, श्रोमणी अकाली दल संघर्ष ते उतरेगा। तो मैं अपने वर्करां नूं बेनती करदा, अपने हलका इंचार्जिस नूं बेनती करदा, जिले प्रधान नूं बेनती करदा, तुसीं मंडियां जाओ, किसानां नाल खड़ो, जो करना पए, धरने देने पैन, प्रोटेस्ट करना पए जां कुछ भी करना पए, किसानां नाल मोढे नाल मोढा ला के आपां इहनां नाल लड़ाई लड़ीए। जदों तक अपने किसानां नूं इंसाफ नहीं मिलदे, श्रोमणी अकाली दल थोड़े नाल खड़ा रहूगा। दस दिए कि शैलर मालक धरने दे उत्ते ने, उहनां दे धरने दे दौरान पुलिस ने उहनां नूं हिरासत दे विच वी लिया सी, जिहदी सुखबीर बादल ने भी निखेधी की है। हुण देखना होगा कि आने वाले समय के मामला की मोड़ लैंदा है, शैलर मालक अगे की कदम चुकते हैं, आड़ती किस तरह के नाल खरीद प्रबंधा नूं पूरा करवाउंदे ने। निडर हाँ, निरपक्ष हाँ, आजाद हाँ, सच कहां, गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुकमराना नूं सिद्धे सवाल, सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सबर, विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कैनेडा दी हर सियासी खबर लैके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बन,
ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਰੋਸ ਚਰਚੇ ਖੁੱਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਖੇਡ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਲ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਧਰਮ ਧਰੋਹਰ ਸਿਹਤ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਬਾਤ ਅਬ D5 ਚੈਨਲ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੋਗਾ ਸਰ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ